नमस्कार, घटना चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज की तरह कुछ खास मुद्दे, कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे आज जो फैसला राम रहीम को लेकर के आया, 25 तारीख को ही दोषी करार दे दिया गया था और आज आपको बता दें कि उनको 10-10 साल की 20 साल की कुल सजा जो है सुनाई गई। और तमाम जो है उस समय जब सजा सुनाई जा रही थी तो इस तरह की भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि राम रहीम रो भी रहे थे। आज आपको बता दें सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, हालांकि कुछ एक घटनाएं सिरसा के अंदर जो है इस तरह की आई कि हिंसा हुई है और दो गाड़ियों को भी आग लगा दी गई, लेकिन सामान्यतः मामला आज जो है शांत रहा। लेकिन इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले जरा उन प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। सबसे पहले क्या कुछ कहा गया कांग्रेस की तरफ से, वो जरा सुन लेते हैं। दोष के लिए 7 वर्ष है, बाकी जिरह दलील सुनने के बाद जो भी रखा है समय काल उसमें हमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट थिंक इट नेसेसरी टू एट ऑल कॉमेंट ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट नीड नॉट बी एट ऑल अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए पोलिटिकल पार्टीज कॉमेंट। दीज आर नेचुरल प्रोसेसेस, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कन्विक्शन एंड इट इज एंटायरली बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द कोर्ट which passes these orders after giving an opportunity to hear purely on the quantum of sentence. देखिए ये तो अदालत का फैसला है, हमारा इसमें कुछ नहीं। they have found him guilty and they have sentenced him. So there is nothing for us to say. We can only ask that this must be accepted by the people और शांति रहे। कोई ऐसी हम ऐसे कोई बात नहीं चाहिए हमें जहाँ इसमें कोई गड़बड़ हो। ये जो अदालत ने अपना सुना दिया, नाउ यू मस्ट एक्सेप्ट दैट। कोई एक वो तो प्रिवेंटेटिव एक दो जगह में कर्फ्यू चल रहा है, एक दो दिन में हम हटा देंगे उसको। वंस जब मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ा हुआ है, SSPs पे और DCs पे, कि जब वो ठीक समझते हैं तो दे'ल इन्फॉर्म आर चीफ सेक्रेटरी एंड DGP और फिर उसको हटा देंगे। टोटली नॉर्मल सी है, हमारी फोर्स बोथ सिविल एंड पुलिस आर ऑन देयर टोज। टोटल मोराल हाई है फोर्स का एंड कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होने देंगे यहाँ। जिस पत्रकार की हत्या हुई थी रामचंद्र छत्रपति, उनके पुत्र अंशुल छत्रपति ने भी फैसले पर खुशी जताई। मतलब लगातार वेट कर रहे थे कि मतलब न्यायपालिका इस पर मोहर लगाए, क्योंकि हम बड़ी समय से जो बात कह रहे थे कि ये व्यक्ति देश और समाज का दुश्मन है और इस तरीके की गतिविधियां ये अंदर कर रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। किसी ना किसी बात को लेकर लोग डिफेंड कर रहे थे इसको, और आज जो न्यायपालिका ने मोहर लगाई है उसमें सजा चाहे कितनी भी हो वो बात मायने नहीं रखती। मायने ये बात रखती है कि आज न्यायपालिका ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि ये व्यक्ति गुनाहगार है। जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही थी ये आज पहली बार नहीं हुआ, लगातार कई सालों से ये सब चल रहा था और इसके लिए डेरा सच्चा सौदा लगातार जिम्मेवार रहा। ये लोग मतलब जो पंचकुला में जुटे ये अपने आप आस्था के नाम पर वहाँ दर्शन करने नहीं गए, इनको प्रोवोक किया जाता रहा कि आप वहाँ चलिए, अगर फैसला खिलाफ आता है तो ये सब किया जाएगा। ये सब पहले तय था, प्री प्लान्ड था और जो इंटेलिजेंस की इनपुट्स थे वो भी यही थे, लेकिन फिर भी सरकार इनको संभाल नहीं पाई, इनको रोका नहीं गया। और जो ये सब नुकसान हुआ इसकी रिकवरी भी इन लोगों से की जानी चाहिए, और जो ये सब हुआ इसके लिए देशद्रोह का मुकदमा भी डेरा प्रमुख के ऊपर किया जाना चाहिए। बाबा रामदेव की भी टिप्पणी आई है इस विषय को लेकर के, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुन लीजिए। और धर्म तो जीवन का श्रेष्ठ आचरण है, ढोंग आडंबर पाखंड छल छद्म हिंसा क्रूरता बर्बरता अत्याचार बलात्कार इसको हम धर्म नहीं ठहरा सकते। और जो भी कोर्ट ने सजा दी है 15 साल तक इसके ऊपर जांच हुई है, मुझे लगता है देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। और हमारी न्याय व्यवस्था आज इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति अपराध करके बच नहीं सकता, उसका एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल सेट किया है कोर्ट ने। और जो भी तथाकथित ताकतवर लोग हैं मुझे लगता है वो जरूर इससे सीख लेंगे। आरोप हम पर भी लगे, आरोप रगलने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, लेकिन आप यदि सच्चे हैं तो आप अपने आप को साबित करो ना। और यदि आप अपराधी हैं तो जो आपको सजा मिली है उसको भुगतो। इसमें दूसरे लोगों को बीच में क्यों लाते हैं हम? मुझसे लोग प्रेम करते हैं तो मेरी सच्चरित्रता पवित्रता से प्रेम करते हैं,
लेकिन जिस दिन मैं गिर जाऊं उस दिन मैं दूसरे लोगों को उकसाऊं और उनको जो है आग लगाने के लिए प्रेरित करूं या उनका भी उसमें हिंसा में अंत हो जाए। एक तरह से ये तो एक अपराध के बाद दूसरा ये हो गया कि लोगों को आप मरवा रहे, तो एक के बाद दूसरे अपराध की श्रृंखला शुरू हो जाती है। ऐसे में बचना चाहिए इन अपराधों से। और अभी तो आगे जिस तरह से मर्डर के और नपुंसकता आदि के और केस हैं, मुझे लगता है यदि वो निर्दोष हैं तो भी उनको भयभीत नहीं होना चाहिए क्योंकि वो निर्दोष निकल जाएंगे, और यदि वो दोषी हैं तो फिर जो सजा मिले उसे स्वीकारना चाहिए। चले, तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए शकीलुज्जमान अंसारी साहब मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ भास्कर घोष जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ दिलीप के सिंह जी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। आज का दिन वैसे भी धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले बाबाओं के लिए अच्छा नहीं रहा। आसाराम की जो जेल बेल की एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई। दिल्ली के अंदर एक बाबा भीमानंद हैं, उनको सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राम रहीम को 20 साल की सजा सुना दी गई। दिलीप जी, पहली टिप्पणी आपकी, कैसे देख रहे हैं आज जो फैसला सुनाया गया, दो अलग अलग मामलों में अलग अलग 10-10 साल की सजा, कुल 20 साल की सजा सुनाई गई है। 20 साल की सजा भी सुनाई गई है, 15-15 लाख के जुर्माने भी उनको देने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि देर से आई हुई लेकिन दुरुस्त बिल्कुल वर्डिक्ट है। और ऐसे चाहे वो बाबा हों, चाहे राजनेता हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे ब्यूरोक्रेट हों, चाहे कोई भी रसूख वाले व्यक्ति हों जिन्हें लगता है उनके पास सत्ता की पहुंच कोई भी हो, किसी के पास भी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है कि आप कोई भी आपको बचा नहीं सकता आपके गुनाह के लिए। कम से कम इस बात से तो ये साबित होता ही है कि तमाम तरह के हमने पीछे कई सालों में देखे हैं किस तरह से चीज़ों को दरकिनार करने की कोशिश की गई, लेकिन न्याय जो है, जस्टिस जो है, वो मिला है पीड़िता को, पीड़ित को। तो मुझे लगता है कि ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जिसके तहत ये होना ही चाहिए था और वो हुआ। लेकिन इसके एक पहलू सिर्फ इसमें जोड़ने की इतनी ही बात है कि ये व्यक्ति जो है वो गुनहगार है, ये व्यक्ति दोषी है, व्यक्ति को सजा मिली है जो मिलना चाहिए थे बिल्कुल मिली है। लेकिन हमें संस्थान को इससे अलग करके देखना चाहिए कि संस्थान जो है वो ऐसे गलत व्यक्ति भी संस्थान में आ सकते हैं और गलत काम भी कर सकते हैं और उनको सजा भी मिलती है और मिली है। तो ये संस्थान को, डेरा सच्चा सौदा को और इसके प्रमुख को, दोनों को अलग करके देखना चाहिए। जो उनके अच्छे काम है वो काम जारी रहना चाहिए, चाहे वो गरीबों के लिए है, पीड़ितों के लिए है, दलितों के लिए है, मानव के लिए है, चाहे अस्पताल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, भूखे को खिलाते हैं, जो भी काम अच्छा करते हैं कोई भी संस्था, तो संस्था और व्यक्ति को अलग करके देखना चाहिए। इस व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए था, मिली है, और यहाँ से सीख भी जाएगी। ऐसे जो संस्थाएं हैं उनके लिए एक सीख भी है, लर्निंग भी है, लेसन्स भी है। तो मुझे लगता है इस दोनों तरह से इसका बिल्कुल स्वागत करने योग्य फैसला है। अवधे जी, आप कैसे देख रहे हैं 10-10 साल की, यानी कुल 20 साल की सजा सुनाई गई है, और आज आसाराम को भी जो उन्होंने बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी वो भी रिजेक्ट हो गई, और भीमानंद को भी, तो तमाम ऐसे लोग जो धर्म के नाम पे अधर्म कर रहे थे उनके लिए दिन अच्छा नहीं रहा आज का। मुझे लगता है सबको एक साथ मिला के देखना ठीक नहीं है। वो देखने से लगता है कि सभी शायद एक ही प्रकार के संत और साधु बने हुए थे वेश में, लेकिन सबके मामले अलग अलग हैं। देखिए, सबसे पहले जो गुरमीत राम रहीम को सजा हुई है वो मुझे जरा उस पर आश्चर्य हुआ। 10 साल तक की सजा तो मेरे हिसाब से बिल्कुल न्याय संगत थी, अगर कोर्ट की नजर में वो बलात्कार करने के दोषी पाए गए हैं तो कोई भी सजा एक साथ। लेकिन दो अपराध को अलग अलग करके और 10-10 साल की सजा देने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग लंबे समय से कह रहे हैं कि भारत के न्यायालय जो है वो राजनेताओं और जिनको थोड़ा धर्म गुरु टाइप के जो लोग हैं उनके विरुद्ध जो है उसका रवैया थोड़ा ज्यादा सख्त है लंबे समय से। तो मुझे लगता है, मुझे लगता है वो तो अपना तथ्य देख के किए होंगे। सीबीआई के न्यायालय ने जो फैसला दिया है ये 10-10 साल अलग से देना, ये मुझे, इसका औचित्य मेरी समझ में नहीं आता है। 10 साल तक तो मेरी समझ में आता था, लेकिन 10 से 20 साल तक की सजा का मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी चूंकि अब इस समय सजा हो गई है तो सजा जैसे उस दिन हम लोगों ने कहा था
कि कोर्ट ने उनको दोषी माना है, तो जाहिर है कि इस समय हमारे पास बाप गुरमीत राम रहीम को बलात्कारी का दोषी माने या अपने यहाँ के साध्वियों को यौन शोषण करने के एक अपराधी के रूप में स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर भविष्य में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में जैसे जाने का उनके पास रास्ता खुला हुआ है तो हम उसके फैसले की भी उम्मीद करेंगे कि उसमें क्या आता है, प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन इस समय हमको मानना पड़ेगा। दो अलग अलग मामलों में दो अलग अलग समय पर किए गए अपराधों के लिए अगर अलग अलग सजा सुनाई गई तो इसमें क्यों आपको ये सजा ज्यादा लग रही है? नहीं, ये इसलिए कि ऐसा बहुत ये रेयर, मतलब जैसे कहा जाता है कि हत्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर में जो है हत्या हो, विरलों में विरलतम मामलों में ऐसा होता है। तो हम लोग कोर्ट भी बहुत दिन मैंने कवर किया है और कोर्ट पर हम लोग लंबे समय से देखते रहे हैं। इस तरह का फैसला मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कभी हुआ भी होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि न्यायालय के इतिहास में इस तरह के फैसले हुए होंगे। होंगे तो उसका नजीर देखना पड़ेगा, अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक आदमी अगर 10 मर्डर करता है तो 10 के लिए अगर उसको हो तो 200 साल की सजा देते हुए मैंने नहीं सुना है। एक आतंकवादी अगर मान लीजिए वो 10 आदमी 20 आदमी को खून करके जाता है, उसको आजीवन कारावास की सजा हो जाती है, लेकिन ये नहीं होता है कि 10 जीवन के कारावास की सजा हो जाए। सजा तो हो सकती है, है? मौत की सजा तो हो मौत की सजा हो सकती है। मौत की सजा तो एक ही बार होगी, वो तो दो बार नहीं होगी। एक आश्रित के साथ, लेकिन उसमें ये नहीं हो सकता है कि एक बार इनको गर्दन लटका के इनको दर्द कराओ, फिर दोबारा पैर से लटका के दर्द कराओ। हमारे पास तथ्य सारे मौजूद नहीं है। उसके बाद कोर्ट के फैसला को स्वागत करते हुए उसके बाद जो है गला लटकाओ, ये नहीं हो सकता। बिना तथ्य इस पे सवाल उठाना जायज नहीं है। नहीं, तथ्य का क्या मतलब है इसमें? बहुत सारे तथ्य हैं। क्या वो सीरियल एक संस्था का, जो जिस संस्था का नहीं तो उसका काम था कि अच्छे काम करे, ऐसे संस्थाओं का दुरुपयोग करके उस पे कानून के अनुरूप में होगी ना। कानून क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में क्रिमिनल के लिए हम नहीं बैठे हुए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में क्या ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में क्या ये है कहीं कि अगर तीन क्राइम किया है तो तीनों के लिए उसको अलग अलग सजा दी जाए? वो जैन टीवी में आप स्टूडियो में नहीं थे, उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है। अगर 20 साल की सजा, मुझे इस पर हैरत है, हैरत हो सकती है, मुझे इस पर हैरत है, मुझे इस सजा पर हैरत है। मैं अंदर से इस सजा को मैं नहीं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। आपके स्वीकारने नहीं स्वीकारने कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो है इस समय कोर्ट ने फैसला दिया हो तो चलेगा, लेकिन मेरा अपना अधिकार यह है कि मैं, मुझे अगर इस फैसले में मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा अति हुआ है, अतिवाद की सीमा तक न्यायालय गया है, तो मैं उसको बोलूंगा। चलिए शकील साहब आते हैं जी आपका सेकंड राउंड में। ये वाकई में जो अभी अवधेश जी सवाल उठा रहे हैं कि ये अतिवाद की तरफ और जो लोग धर्म से जुड़े लोग हैं उन पर कुछ ज्यादा ही सख्त रवैया है कोर्ट का, देखिए ये तो हम नहीं कहेंगे कि धर्म से जुड़े हुए राजनेता, लेकिन कई बार सरकार के कार्यों में, सरकार के छोटी बड़ी बातों में कोर्ट का इंटरफेरेंस है। और कई बार कोर्ट भी कहता है छोटी कोर्ट को कि भाई ज्यादा आप इंटरफेयर कर रहे हो, ये कई केसेस आपको हम इंस्टांस है, खैर उसमें नहीं जाते हैं। ये एक बलात्कार का दोषी गुरमीत राम रहीम को माना गया और आज उसमें सजा उनको सुनाई गई। सजा तो आईपीसी से निर्धारित है कि किस कांड के लिए कितनी सजा होगी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के लिए भी निर्धारित है, ऐसा नहीं है कि उसमें भी नहीं है। लेकिन आमतौर पर जो अवधेश जी जो बोल रहे हैं, आमतौर पर जो यहां पर सजाएं होती हैं जैसे वो उसमें ऐसे ही होता है कि सजाएं अगर 3, 4, 5 भी हो गई तो एक टाइम से शुरू होती है और एक टाइम में एंड हो जाती है, 2-1 साल का फर्क पड़ता है, ठीक है। कोई 8 साल की सजा कोई केस में हुई, कोई 4 साल की हुई, कोई 6 साल की हुई, तो एक साथ चलती है। लेकिन अब कोर्ट का अपना सोच है और अपने पावर्स हैं कि उनको कह सकते हैं कि ये सब सजाएं अलग हैं। अगर एक केस आज है और 10 साल के बाद कोई दूसरा केस में सजा दे तो ये लगता है व्यवहारिक, लेकिन आज जब ये दो केसेस अलग अलग सुन के अब सजाएं दे रहे हैं तो दो अलग अलग पीरियड, ये भी हमको लग रहा है कि अभी आप नेट पर देख रहे हैं और हम टीवी पर डिबेट अभी चल घर से जब चले हैं जब तक हम यही देखा है, तो हो सकता है इसकी क्लियरिटी भी आगे आ सकती है, हो सकती है आ गई वो असल में, अब वो क्या ये नहीं आई है, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये ट्रेडिशन जरूर रहा है कि 2 सजाएं 3 सजाएं या 4 सजाएं एक साथ चलती हैं, और अगर कोर्ट को राइट है
कि सब सजाएं अलग अलग एग्जीक्यूट करें तो उनको राइट है, तो उसमें हमको कुछ नहीं कहना। उसमें तो अपर कोर्ट में जाने का, यहाँ तो न्याय इतनी आसान तरीके से किसी भी विक्टिम को सजा नहीं मिले अगर विक्टिम नहीं है तो उसकी व्यवस्था है। अभी एक कोर्ट ने कहा है, ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं, यहां तक के सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का इसमें है। लेकिन सवाल पैदा यह होता है कि आज एक मुश्किल कार्य को कोर्ट ने किया, टाइम लगा, जो भी लगा, उससे न्यायालय की जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को मदद मिली है, जनता के सामने उसके इमेज बढ़ा है कि नहीं न्यायालय अब हर मामले में झुक नहीं सकती है। ये तो शक्तिशाली लोग थे ना, जिसमें सरकार भी पूरी बचाने में लगी हुई थी। अगर दिन भर हाई कोर्ट अगर 3 बार लगा के फैसले नहीं करता तो हो सकता था उस दिन हरियाणा पूरा जल गया होता जाट आंदोलन की तरह, और पुलिस तमाशाई होती या पुलिस भी हिस्सा बनी रहती। वो तो कोर्ट ने कहा और उस मजबूरी में डीजीपी को डायरेक्ट के सस्पेंड कर दिया जाए, सेना को डायरेक्ट कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट चुप रहेगी तो सेना को हम डायरेक्ट कहेंगे, तब इसके लिए वहां फायरिंग हुई या कंट्रोल करने की कुछ व्यवस्था हुई, फिर भी 38 लोगों की मौत को हम नहीं जस्टिफाइड कर सकते हैं। उसको अगर सरकार पहले से ठीक करती, ठीक से टेकअप करती तो इतने लोगों की जानो माल बचाया जा सकता था। दूसरे ये केस चल रहा था, सजा भी मोटा मोटी मालूम थी, उसमें एटमॉस्फेयर भी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए थी कोर्ट के जरिया, के उनके अनुयायी को ऐसा लगे कि जो कोर्ट फैसले करने जा रही है उसको मानना हम सबका कर्तव्य है। अनुयायी क्या है, वो तो समझते हैं कि मेरा भगवान गलत कर ही नहीं सकता है। आप एक बार सजा नहीं 10 बार आप सुनाइए, उनको भरोसा ही नहीं है कि मेरे भगवान ने ये सजा किया, इसलिए वो लो है बुरी तरह से जनता के बीच निकल आए हैं, हत्या करने के लिए, जान देने के लिए तैयार हैं। ये तो इतिहास में बहुत कम मौकों पर दिखाई पड़ता है। भास्कर जी, या कोर्ट ने अपना काम किया और इस लंबे चले मुकदमे में आखिरकार सजा जो दोषी करार दिया गया फिर सजा भी हो गई, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की एक बड़ी विफलता देखने को मिली। जिस तरीके से कोर्ट एक ऐसा लग रहा था कि प्रशासन चला रहा है, दिन में 3-3 बार कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए, सरकार को भी कितनी बार लताड़ा गया, करीब 2-3 दिन के अंदर 2-3 बार लताड़ा गया, केंद्र सरकार के बारे में टिप्पणी की गई कि वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको लगता है इस सब के बीच में सबसे ज्यादा अगर फज्जियत हुई किसी की तो वो हरियाणा सरकार की हुई? देखिए, कोर्ट अपने जो ऑब्जर्वेशन या आप जो कह रहे जो फटकार कह रही कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन जब जहां तक सरकार की सवाल है, सरकार जब ये पूरी एपिसोड शुरू हुई और हाई कोर्ट में और कोर्ट का सारा जमायत हो गया, 1.5-2 लाख लोग आ गए, और उस वक्त सरकार के तरफ से जो जो सिक्योरिटी मेजर लेना था उसका विवरण सरकार ने कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट को लगा कि ठीक है, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, तो कोर्ट जैसे जैसे सरकार को निर्देश देता गया, सरकार अपने आप को उस तरह से फिर अगर प्रशासन भी कोर्ट चलाएगा तो फिर तो लोकतंत्र भी, मतलब ये सवाल तो आएगा। नहीं, वो सरकार सरकार कोर्ट के पास नहीं गया, कोर्ट ने सरकार को बुलाकर पूरा जायजा लिया। ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सरकार के तरफ से 50,000 सुरक्षा कर्मी व पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और निगरानी रखने के लिए जो जो कार्रवाई किया जाए वो कार्रवाई किया गया। हाँ, आप कहते हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है, ये बहुत दुखद है कि इसके बावजूद भी 38 लोग मर गए, लेकिन वो मर गए किसकी फायरिंग में? पुलिस ने कोई पैलेट्स या कोई बुलेट्स नहीं चलाए, पुलिस ने वाटर कैनन यूज़ किया और टियर गैस यूज़ किया। ये वो तांडव जो किया, ये राम ये इनका राम रहीम का जो अपने सुरक्षा बल थे और अपने जो गुंडे थे उसके पास बहुत बहुत सोफिस्टिकेटेड, उसके बाद सरकार ने पूरा मिलिट्री, आज के दिन में देखिए 2 दिन गया, 2 दिन के बाद सरकार ने कुछ काम किए हैं वो दिख रहा है। आज कुछ नहीं, 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 कुछ नहीं। अगर ये तैयारी अगर पहले होती, विपुल जी एक मिनट को संपत्ति को नुकसान को बचा, विपुल जी एक मिनट, मेरा प्रश्न है के आप बोल रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत अच्छा, आपको बोलने का अधिकार है,
कि बोल रहे हैं कि हमने सारी कोशिश की। वहां के मिनिस्टर कह रहे थे कि जो लोग आए हैं वो हमारे गेस्ट हैं, उनको पानी खाना और उनके रहने की व्यवस्था करना है, तो कैसे विरोधाभास है ना। नहीं, एक तरफ आपने उस जनता को आने के लिए एकदम विरोधाभास, आपने जनता को एक सेकंड में एक वो भक्तों को आने के लिए मजबूर किया और फिर उनके ऊपर गोली चलाई आपने, आपने आपने जुल्म किया गरीब जनता के पीछे, वो भक्तों के पीछे, भक्तों को आपने ट्रेन नहीं किया। आप तो ना बोले 1985 में जब सिख दंगे हुए थे, अरे आप सिख दंगे के थे, बात करते रहे, आज आप हमारे सरकार आप तैयार हुई सिचुएशन कंट्रोल में लाए थे। नहीं नहीं कुछ नहीं कर सकी आपकी सरकार को, आप मार कोर्ट के आदेश से फोर्स डिप्लॉयमेंट भी कोर्ट के आदेश से हुआ, कोर्ट के आदेश से। मैं एक टू क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस अपनी बात हम खत्म कर रहे हैं। फिर कई सवाल पूछे जाएंगे, फिर आपसे पूछे जाएंगे भिंडर वाले का आपने क्या, नहीं नहीं आप तो वो पूछे जाएंगे जो सामने है, वो बात नहीं कीजिएगा। आप यही पीछेगा कि भविष्य में क्या हुआ है वो पूछते रहिए। इसके लिए आप जस्टिफाइड कर रहे हैं दिलीप जी कि वो जितनी घटना घटी है वो एकदम जस्टिफाइड, तो ठीक है आप जस्टिफाइड कीजिए, आप पुरानी बातों को दोहरा के आप जस्टिफाइड करना चाहते हैं तो करिए, ये कोई नहीं है। पहले आप सवाल को सुनिए, पहले आप सवाल को, नहीं नहीं जस्टिफाइड करना कीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना है। जो पुरानी घटनाएं घट चुकी है उसको मैं बदल नहीं सकता, वो तो घट चुकी है। अंदर सरकार ने पूरी पूरी सिचुएशन ऊपर कंट्रोल ले ली है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इसको सियासी रंग देने की कोशिश जो कर रहे हैं वो वहां तक तो ठीक है कि जो चूक हुई है जिसके कारण लोगों की मौत हुई, उस पर सवाल उठे हैं, उठना चाहिए, आप उठाइए। लेकिन जो सवाल आप कह रहे हैं इसको एक राजनीति से पूरा प्रेरित देख रहे हैं, क्या वो जायज है? क्या वो पहली बार इतिहास में हो रहा है? बीजेपी और कांग्रेस उसमें कोई अंतर है क्या? मेरा सवाल ये था। नहीं, इसमें कहां हमने कोई राजनीति की बात कर रहे हैं, शुरुआत ही आप बोल रहे हैं राजनीति की, ठीक है। एक सरकार को आप चाहते हैं कि विफलता के लिए जो हाई कोर्ट ने एक एक दिन में तीन तीन बार आलोचना की, उस सरकार के लिए आपके मुंह में जुबान नहीं है। आप पुरानी घटनाओं के लिए पूरी जुबान रहे आपके जुबान में, तो आप वेंटेटिव हैं। आपका ईमानदारी भरा कोई सवाल नहीं है, सवाल है कि जो पहले बार जो आप यही काम पिछली सरकारों में हुआ होता तो आप लोग तमाशा खड़ा कर देते, तूफान खड़ा कर देते। पिछली सरकार में होता ये बात, आज आप सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, वो पुरानी घटनाओं से आप धस्ते। अरे आज तीन बार कोर्ट लगा, कोर्ट ने क्या कहा? कोई सरकार ने नहीं कहा। 40,000 दंगे आज कांग्रेस ने करवाए, और हर दंगे के रिपोर्ट में आप आरएसएस है, 80% दंगे की रिपोर्ट में आरएसएस है, 80% आरएसएस है, आरएसएस है, आरएसएस है, दंगों में आरएसएस को महान है, और ये दंगा भी आरएसएस का है। शकील साहब की जो ख्वाहिश है कि बीजेपी को तो एक्सपोज करिए, लेकिन कांग्रेस के पास नहीं नहीं कोई नहीं। आप 100 साल पुरानी घटनाओं को घटिया ही के जस्टिफाइड कीजिए ना, हम कहां मना कर रहे हैं, लेकिन आप पुरानी बातों से वहां आप जो है, ये केस कब का है, ये कब से चलती है, कई 2007 चार्जशीट पेश हो गया, कई सवाल आपके ऊपर उठेंगे शकील साहब, उसका मैंने इसलिए कहा इसको सियासत की तरफ मत ले जाइए। मैंने सियासत की तरफ नहीं ले गए, मैंने कोर्ट की बात करी थी, अरे अटल बिहारी बात करी थी, डम कर दिए थे वो, डम कर दिए थे। 7 साल में कोर्ट ने जब कहा चार्जशीट पेश किया गया, आपकी सरकार क्या कर रहा था? हमारी सरकार से क्या मतलब, चार्जशीट होने के बाद सरकार का काम है, क्या बात करते हैं? चार्जशीट पेश के बाद सरकार वर्सेस जब पानी हो जाता है, नहीं सरकार का ही काम है ये। नहीं नहीं, सरकार ने वहां पे जो किया, मैंने पहले कहा कि जो मौत हुई है उसके लिए वहां की सरकार जिम्मेवार है, लेकिन आप अगर इसको सिर्फ और सिर्फ सियासी चश्मे से देखेंगे तो चीजें नहीं, फिर तो आपके पाप के ऊपर चादर नहीं पड़े रहेंगे, उठेगा चादर फिर आप। नहीं नहीं, सब चादर उठाइए और इस पाप को ढक दीजिए, पुराने चादरों से नए पापों को ढकने का काम आप कीजिए ना, इस बाबा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कितना इस्तेमाल किया है देश देख रहा है, कितना इस्तेमाल किया है ये देश को जानना चाहिए अब, क्योंकि ये बलात्कारी बाबा
जिसको आज 20 साल की सजा हुई है, इसका इस्तेमाल सियासी दलों ने किया है, उसमें भाजपा भी है और कांग्रेस भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि हमारे यहाँ कोई भी डेरा का कार्यालय या केंद्र सील नहीं होगा पंजाब में। जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन हम सील नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी तो गई, क्योंकि अब डेरा वाले नाराज हो गए तो अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की खाट खड़ी हो सकती है। 1991 से जिसको डेरा सपोर्ट करती है वो चुनाव जीतता है वहां हरियाणा में, आज तक यही होता रहा है। कांग्रेस को जब सपोर्ट किया कांग्रेस जीती, जब उसने ओम प्रकाश चौटाला को सपोर्ट किया ओम प्रकाश चौटाला जीती, बीजेपी को सपोर्ट किया बीजेपी जीती, तो सभी पार्टियां आई। लेकिन इस समय ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का बहुत ही आपराधिक विफलता, इसको मैं कहूंगा, जिसमें 39 लोगों की जान चली गई, एक व्यक्ति की भी जान नहीं जा सकती थी अगर ठीक से उसमें कार्रवाई की जाती तो। यहां तक तो शकील साहब की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये कांग्रेस को बिल्कुल पाक साफ करार दे देंगे, ये तो संजोग से पंजाब में, चूंकि पंजाब में मामला होता तो पंजाब सरकार फंसती, लेकिन पंजाब सरकार ने एक बड़ा व्यवहारिक स्टैंड ले लिया है। डेरा सच्चा सौदा के लोगों का अब कांग्रेस के प्रति थोड़ी सहानुभूति बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति घटेगी, तो इसलिए आपको इस मामले में खुश होना चाहिए। इनकी गलती से इनको इनकी इन्होंने जो गलती की है उसका लाभ आपको मिलने वाला है। एक अब जरा इससे इतर एक सवाल करते हैं, और पहले दिलीप जी और अवधेश जी आपसे ही जानना चाहेंगे, ये जो तमाम एक एक करके जो तमाम धर्माधिकारी एक तरीके से कह सकते बनने की जो कोशिश करते हैं, धर्म अपराधी बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया आपने, ये जो एक्सपोज हो रहे हैं उससे क्या ऐसे लोगों के प्रति लोगों की जो आम आदमी है उसकी आस्था कम होगी, जो भविष्य में ऐसे लोग जो अच्छा काम भी कर रहे हैं उनको भी लोग शक की निगाह से देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये देश आस्था पर चलता है, आस्था से इस पे जो है लोगों का विश्वास है, तो क्या इस तरह के लोगों के एक्सपोज होने पे लोगों की आस्था पर भी अब जो है कहीं ना कहीं डगमगाएगा मन क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इससे आस्था पे फर्क पड़े, क्योंकि आस्था तो हर व्यक्ति का है और जो अच्छे काम करेंगे उस पर आस्था रहना चाहिए, जो बुरे काम करेंगे उसको सजा मिलने से मुझे लगता है। हाँ, लोग में यकीन होगा कि कोई गलत बाबा होगा तो वो जेल जाएगा और सजा भुगतेगा कोई गलत काम करेगा, लेकिन लोगों को परखने में थोड़ी, अब एक बार परखने के जो लोग जरूर कोशिश करेंगे कि जहां आप किसी अच्छे काम के लिए जुड़ रहे हैं क्या वो अच्छा आदमी के द्वारा भी हेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संस्था अच्छी हो लेकिन अगर व्यक्ति खराब होगा तो व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में कुछ शंकाएं जरूर रहेगी जिसका वो समाधान पहले करना चाहेंगे। अवधेश जी, देखिए इससे मतलब शंका तो बढ़ेगी, साधु संत कोई अच्छा भी होगा तो उसके प्रति लोग पहली नजर से शंका से देखेंगे कि भाई ये जो है पता नहीं कि कैसा साधु है, क्योंकि आजकल जिस ढंग से साधु संतों का तीन का नाम अभी आपने लिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी कानून के कटघरे में फंसे हैं, कुछ कानून के कटघरे से निकले हैं, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि साधु संतों को लेकर के आम आदमी के मन में स्वाभाविक रूप से एक संदेह पैदा होगा। लेकिन अब वो संदेह किस सीमा तक जाएगा, क्योंकि आसाराम जैसे इतने साल से जेल में है लेकिन आसाराम के लाखों ऐसे भक्त हैं जिनकी श्रद्धा आसाराम के प्रति अभी तक नहीं घटी है, कुछ का घटा है, कुछ का मोह भंग हो गया है, कुछ लोग अलग हो गए हैं, कुछ लोग मानने लगे हैं कि ऐसा इन्होंने किया होगा, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो अभी नहीं मानता है। लेकिन ऐसे लोग, वही हाल बाबा राम रहीम का है, बाबा राम रहीम के भक्त और समर्थकों में अभी तक जो है हम लोग तो खैर उनके किसी भक्त से अभी तक मिले नहीं है, तो मिलके देखना पड़ेगा, लेकिन जो जो मीडिया में जो दिखाई दे रहा है, जो खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार ये हो रहा है कि ज्यादातर की आस्था बाबा राम रहीम के प्रति ही नहीं टिकी है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा हुआ है, वो मानते हैं कि न्यायालय ने उनके साथ अन्याय कर दिया और मीडिया ने ज्यादा जो है इसको उछाल करके और न्यायालय को ऐसी स्थिति में ला दिया कि न्यायालय ने उनको सजा दे दी है। लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, तो आम आदमी जो है, जो कि साधु संतों पर आंख मूंद के विश्वास करता था, जो कह दिए उनको मान लेता था, अगर कोई साधु घर पर पहुंच गया तो उसकी सेवा करना, अपने घर में रखना, उसको खाना खिलाना, उसको को कुछ भी मतलब उस पर कोई संदेह नहीं, वहां जरूर संदेह का बादल मंडराएगा और ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है ये, क्योंकि भारत साधु संतों फकीरों जो है सबका देश रहा है यहाँ, और साधु संतों फकीरों सबका, सूफी संतों का, सबका एक योगदान रहा है इस देश के समाज में, समाज को सुधारने में, उसको नैतिकता के पायदान पर बनाए रखने में,
उसको उसकी सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखने में और खास करके राजसत्ता पर भी दबाव जो है बना के बेहतर काम कराने में, इन सब में हमारे यहाँ धार्मिक संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, समाज के सुधार में योगदान रहा है, तो यह चिंता का विषय है। लेकिन जो आप प्रश्न कर रहे हैं उस पर ऐसा होगा जरूर। चलिए इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे आज के दूसरे विषय पर भी, जरा हम बातचीत कर लेते हैं। दूसरा विषय जुड़ा हुआ है चीन और भारत को लेकर के डोकलाम में जो पिछले दो महीनों से विवाद चल रहा है, बल्कि दो महीनों से ज्यादा कहिए, 16 जून से जो विवाद चला रहा है। जी आप पिछला सब्जेक्ट था, बड़ा एकदम मेन पिक पर आ गया था। देखिए ऐसा है कि धार्मिक क्रिमिनल या फला अपराधी, ये शब्दों का उपयोग जरा अच्छा नहीं है। कोई दो एक चार पांच लाखों लाख साधु संतों और फकीरों के बीच में दो चार पांच दस ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, तो उससे धर्म को अपराधीकरण के साथ जोड़ दीजिए। अगर टीवी चैनल पर हम जोड़ेंगे तो आस्थाएं जिनकी है, या तो आस्थाएं खत्म होंगी या आस्थाएं। दूसरी बात यह है कि देखिए आज टेक्नोलॉजी का युग है, पहले लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, कुछ अपने गुरुओं के पाप को भी सह लेते थे, आज सहने को तैयार नहीं है, दो साध्वी ने नहीं सहरा, तो ये परिवर्तन है, इसलिए लोगों को चेंज करना होगा। जो हम मेन पॉइंट कह रहे हैं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर इस तरह की संस्थाएं भी डेमोक्रेटिक हो जाएं, तो हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन का हेड अगर गलत करता हुआ पकड़ा जाता है तो कोई बात नहीं, उसको हटाएंगे, नया इंस्टीट्यूशन होगा। तो अभी ये नहीं है, संस्थाएं आशाराम के साथ जुड़ी हैं या राम रहीम के साथ जुड़ी हैं, संस्थाएं मजबूत नहीं हैं, बाबा मजबूत हैं, तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमको लगता है इसमें करना चाहिए। ठीक, चलिए वापस लौटते हैं और आज के दूसरे विषय की बात करते हैं। और दूसरा विषय जो कि जुड़ा हुआ है चीन से, जिस पर हम बात कर रहे थे, 16 जून से चल रहा विवाद फिलहाल लगभग हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि दोनों देशों की सेनाएं जो है वहां से पीछे हटने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन यहां पर पेच ये है कि चीन की तरफ से जो बयान चीन के अंदर दिया गया, वहां ये कहा गया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ये कहा गया कि हम आगे चल करके देखेंगे अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है तो ये जो बयान दिया गया, ये कई सारे सवाल भी यहां पर खड़े कर रहा है। अवधेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे इस विषय को लेकर के, कैसे देख रहे हैं ये 16 जून से चल रहा विवाद? अब चूंकि प्रधानमंत्री को भी जाना है चीन ब्रिक्स सम्मेलन में 3 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में, तो हम तो ये मान के चल रहे थे कि ये मामला सुलझ गया, लेकिन ये जो स्टेटमेंट चीन की तरफ से आ रही है ये तो फिर से उकसाने वाली और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है। देखिए मामला तो आसानी से सुलझेगा नहीं, लेकिन तात्कालिक उसका एक निदान निकला है। देखिए चीन इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है दुनिया में कि ये दोनों सेनाओं ने आपसी सहमति से परस्पर पीछे हटने का निर्णय किया है, लेकिन हुआ वही है। चीन पहले से भी जो है वहां उसकी सेनाएं जो है वहां निगरानी में पहले से रही हैं, तो वो अपना रहेगा। लेकिन जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया, जो प्रेस रिलीज जारी किया है, हमको उसको मानना चाहिए, बशर्ते कि चीन क्या कहता है उस पर जाने की बजाय। और उसमें ये कहा गया है कि भाई तत्काल दोनों देशों के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी, बातचीत के आधार पर समाधान निकला है कि दोनों सेने पीछे हट जाएंगे, वहां यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। चीन ने भी यह नहीं कहा है कि हम वहां रोड फिर से बनाने जा रहे हैं। मूल बात यह थी कि चीन वहां सड़क बनाता है या नहीं बनाता है। तो चीन के बयान को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कहीं भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि चीन कह रहा हो कि नहीं हम जो है सड़क बनाने पर डटे हुए हैं। तो इतना ही कह देना कि हम सड़क, इस बात को नजरअंदाज कर देना, सड़क बनाने की न चर्चा करना, यही साबित करता है कि चीन और भारत के बीच बातचीत से तात्कालिक एक समाधान निकला है। लेकिन कोई भी तात्कालिक समाधान को अस्थाई मत मान लीजिए। चीन एक ऐसा देश है जिस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। चीन का मंसूबा विस्तारवादी है, वो दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है,
पूरे दक्षिण एशिया में वो चाहता है कि भारत को इस ढंग से रणनीतिक रूप से हम घेरे घेरा कर लें कि हमारा एक वर्चस्व भारत पर बना रहे सामरिक दृष्टि से। उसी प्रकार से वो दक्षिण पूर्व एशिया में भी कर रहा है, तो इसलिए वो सब चीन की नीति है। लेकिन ये इस समय मैं कह सकता हूं कि इस मामले में दुनिया के सामने चीन जो है एक माने भारत एक परिपक्व देश के रूप में सामने आया है, जिसने अपना एक स्टैंड करा तो ले लिया कि हम किसी कीमत पर आपको सड़क नहीं बनाने देंगे, लेकिन एक भी आक्रामक उग्रता पैदा करने वाला, उकसाने वाला या उत्तेजित करने वाला बयान भारत की ओर से नहीं दिया गया। और चीन की ओर से जितनी उत्तेजना पैदा करने की कोशिश हुई भारत को उत्तेजित करने के लिए, उस पर भी भारत की बहुत माने बिल्कुल भारत ने मौन प्रतिक्रिया उसकी व्यक्त की, और अंदर ही अंदर बातचीत चलती रही और वो एक समाधान हमारे सामने है। चीन वहां सेना रखता है नहीं रखता ये मायने नहीं है, मायने ये है कि वो रोड अब वहां नहीं बनाएगा। बात बस इतने पर हम मानते हैं कि ये तात्कालिक समाधान है, लेकिन चूंकि चीन ये उसको भूटान का अंग मानने के लिए पहले भी तैयार नहीं था, तो अचानक वो तैयार हो जाएगा और सारी समस्या समाधान हो जाएगी, इसकी कल्पना उम्मीद हम लोगों को करनी भी नहीं चाहिए थी। दिलीप जी, ये जो पूरा मामला है और अगर विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट आया और उसके बाद ऐसा लग रहा है भारत की एक तरीके से कूटनीतिक जीत हुई है, लेकिन चाइना की तरफ से जिस तरीके से इस बयान को खारिज किया गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या अभी भी चीन अपने यहाँ के लोगों को जो है एड्रेस कर रहा है, ये नहीं बताना चाहता कि देखिए हम भी झुके नहीं हैं, या फिर वो एक और कन्फ्रंटेशन जैसी स्थिति चाहता है? देखिए, चाइनीज एग्रेसिव जो पोस्चर था, जो चाइना का एग्रेशन था, वो उसको मुंह की खानी पड़ी है लगातार। अगर दो महीना से आप याद कर लें, ग्लोबल टाइम्स के जरिए, विदेश मंत्रालय के जरिए, सेना के जरिए जिस तरह की धमकी लगातार चीन ने दिया, वो चीन धमकी से कुछ नहीं होता है ये चीन को देखना पड़ा, समझना पड़ा, और फाइनली कूटनीति की जीत हुई है। भारत की कूटनीति की जीत इसमें कितनी है या नहीं है उस पर हम अलग से, लेकिन ये कूटनीतिक रास्ते से भी कई बार आप समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कूटनीतिक से आप समाधान तब निकाल सकते हैं जब आपके जो सैन्य ताकत है या आपका जो मॉरल नैतिक जो ताकत है, आपकी सैन्य ताकत और नैतिक ताकत दोनों अगर आपके पक्ष में है तो कूटनीतिक तरीके जो है ज्यादा प्रभावी होता है, वो साफ दिखता है। क्योंकि चीन एक किसी तीसरे राष्ट्र के क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा था, वो भूटान है, भारत और भूटान का एक क्या समझौता है, भारत का दायित्व है, नैतिक जिम्मेदारी है, और भारत ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी उस छोटे से मुल्क के लिए निभाया इस कॉस्ट पे कि जहां पे चीन जैसा विस्तारवादी राष्ट्र लगातार लड़ाई की और हमले की धमकी देते रहा। तो मुझे लगता है अगर पूरे इसके पृष्ठभूमि में देखते हैं हम, तो एक तरफ तो पूरे दुनिया में चीन का जो विस्तारवादी सोच है उसको भारत ने बिना कुछ कहे हुए भी बहुत ज्यादा, जिसको भारत आक्रामक नहीं था, चीन आक्रामक था, लेकिन भारत की जो डिप्लोमेटिक, भारत ने जितने चैनल इस बार शायद खोले हैं, उससे चीन को अपने दो कदम पीछे खींचने पड़े। आज चीन लगातार, जब से इसकी शुरुआत हुई है, तो चीन के आप स्टेटमेंट को पढ़िए, चीन के आप जो बयान दिए जा रहे हैं विदेश मंत्रालय या उनके डिफेंस मिनिस्ट्री से, वो इस तरह से दिया जा रहा है कि भारत को हमने सबक सिखा दिया है। तो भारत को आपने कौन सा सबक सिखाया, क्या ये दुनिया को आप बता सकते हैं? या भारत को आपने कहां से पुश करके आप पीछे क्या आप बता सकते हैं क्या? तो सवाल यह है कि भारत की कभी मंशा ही नहीं थी कि चीन के साथ हम युद्ध करें, लेकिन भारत ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि विस्तारवादी चीन की जो नीति है, विस्तारवादी नीति जो है, उसको भारत कहीं पे भी, ये यहां ही नहीं, कहीं पे भी भारत ना उसका समर्थन करेगा और ना भारत उससे समझौता करेगा। और इसके लिए दुनिया के जो तमाम राष्ट्र हैं उनके तरफ से, जिस तरह से चाहे जापान का सहयोग आया हो, अमेरिका का सहयोग आया हो, या अन्य जो राष्ट्र हैं उन्होंने भारत के पक्ष को समझा, या छोटे जो राष्ट्र, यहां तक कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री आए, तो कुल मिलाकर ये देखा जाए इससे कि एक भारत सरकार की तरफ से डेफिनेटली उसमें प्रधानमंत्री और भी एनडीए की सरकार है, तो उनको वो इसमें जो उनका जो कार्य अच्छा काम रहा है, सफलतापूर्वक उन्होंने एक अंजाम तक इसे पहुंचाया, उसके लिए बधाई के भी पात्र हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आपकी जो सैन्य ताकतें बढ़ी 62 से लेके अब तक, अगर वो पीछे खड़ी नहीं होती तो आप डिप्लोमेटिक चैनल भी आपका बहुत प्रभावी नहीं होता। तो भारत ने
अपने जो अपने आप को भारत में सैन्य तरीके से जो भारत मजबूती से अपने आप को मजबूत किया है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत ने अपने आप को खोला है, आर्थिक शक्ति के रूप में भारत एक उभरने का प्रयास कर रहा है, एक आर्थिक रूप से अपने आप को सबल बना, ये तमाम चीजें हैं, कोई एक कारण नहीं है, एक कारण है अब की सरकार भी, लेकिन बाकी कई कारण है जिसके कारण चीन को इस बार पीछे हटना पड़ा है। और चीन पीछे हटने के बावजूद भी चीन लगातार ये कह रहा है कि भारत को हमने पीछे धकेल दिया है, जिसमें कि चीन की सोच कहीं ना कहीं इस वक्त ये है कि आप अगर विस्तारवादी नीति को अपनाना है तो भारत को कम से कम आप इस वक्त टारगेट नहीं कर सकते, उस स्थिति में आप नहीं है। भास्कर जी, ये जो स्टेटमेंट आ रही है चीन की तरफ से, वो भारत के लिए है या चीन के अपने नागरिकों के लिए है कि उनमें वो हौसला बना रहे? देखिए, मैं कई बात पे सहमत हूँ दिलीप जी जो कहें कि 1962 का भारत और आज भारत में बहुत फर्क है। आज भारत के, जब ये क्राइसिस शुरू हुआ तब भारत के साथ जापान जैसे महाशक्तिधर देश खड़े हो गए, यूएस खड़े हो गए, यूरोपियन यूनियन खड़े हो गए, मतलब पाकिस्तान छोड़ के सारे जो दक्षिण एशिया का देश है, और आज भारत जो दक्षिण एशिया को लीड कर रहे नेशनल इंटरनेशनल फोरम में, उसी का एक पहचान शायद चीन को हो गया है कि 62 का भारत ये नहीं है ना। 62 में जो हमारे मिलिट्री फोर्सेस थे, मिलिट्री पावर थे, वो कई हजार गुना बढ़ चुके हैं। आप देखिए, जैसे ही ये जो स्टैंड ऑफ शुरू हो गया, भारत ने अपने नियरेस्ट जो एयरबेस है वहाँ पे एक के बाद एक आधुनिक जो फाइटर प्लेन से लेकर सब कुछ मौजूद कर दिया। सो इतना कम समय में इस सरकार ने बहुत जल्दी तीन तरीके डिसीजन ले लिए। एक तो जो डिप्लोमेटिक चैनल, उस चैनल में भारत बार बार ये मैसेज देता रहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक डिप्लोमेटिक डिस्कशन होना चाहिए। सेकेंड, भारत अपना मिलिट्री पावर को बहुत जल्दी उसके करीब लेके चला गया कि कोई भी अगर नेशनल सिक्योरिटी का क्राइसिस होगा तो भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। और सीमाएं में जो लोग खड़े हुए हैं वो अपना हाथापाई जो है, यानी जो एक मेंटल बैटल, मेंटल एक ये चल रहा था, फाइटिंग चल रहा था, उसमें भी एक इंच उसने जमीन नहीं छोड़े। उसी तीनों का जो समन्वय करके आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो मोदी जी ने सबके साथ, सब राष्ट्र के साथ जो दिखाया, उसका ही नतीजा आज देखिए कि चाइना ने अभी धीरे धीरे वहां से डिप्लॉयमेंट घटा रहे और एक डिसीजन लिया गया कि मैं रोड कंस्ट्रक्शन और नहीं करूंगा। शकील साहब, ये जो एक न्यूज प्रोपोगंडा चाइना की तरफ से चला पिछले दो ढाई महीने के अंदर, अब जो है 15 दिन में युद्ध होगा तो 20 दिन में युद्ध होगा, अब युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, अब यहाँ पर सेनाएं जो है मूव कर रही हैं, यहाँ पर वो टैंक लेकर के आ रहे हैं, ये जो तमाम तरह का एक न्यूज फ्लो रहा, उसका भी बड़ा असर इंडियन मीडिया पर भी देखने को मिला, उन तमाम खबरों को तमाम मीडिया के लोगों ने भी चलाया, वो जिस तरह का प्रोपोगंडा रहा, ये इस सबके बाद अब ये जो स्थिति बनी है कि दोनों देश की सेनाएं अपनी अपनी जगह से पीछे हटेंगी, हालांकि डिनाई कर रहा है चाइना इस समझौते के बाद भी, वो उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये भी एक तरह का न्यूज़ प्रोपेगेंडा है। देखिए, न्यूज़ प्रोपेगेंडा जिस तरह से चीन ने किया, तो हमारी मीडिया ने भी मुंहतोड़ उसका जवाब दिया है, कहीं पीछे नहीं हटी है हमारी मीडिया। जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत अपने स्टैंड से किसी कीमत पर पीछे नहीं हटा। वहां के डोकलाम में ये जो हमारे टीटी के मुताबिक हमारा दायित्व है वहाँ की रक्षा करना, उस रक्षा करने में हम पीछे नहीं हटे। और अवधेश जी ने जो कहा कि आज भी जो बयान उनका चीन का पढ़िएगा तो बड़ा एग्रेसिव है, और चूंकि वो उनका ऑफिशियल बयान है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ वो अपने ही मुल्क के लिए है बल्कि दूसरों के लिए भी है। उन्होंने कहा कि हम विजिलेंट हैं, हमारी पेट्रोलिंग करती रहेगी मेरी सेना और देखती रहेगी, बहुत तरह की बातें किए हैं। लेकिन चलिए, अपनी जगह अभी प्राइम मिनिस्टर को जाना है वहाँ। हम समझते हैं कि चीन की बातों पर ज़्यादा वजन तो दे नहीं सकते हैं, जब उनके प्रेसिडेंट आके यहाँ पालकी पे झूला झूल रहे थे उस वक्त भी चीन ने कुछ हरकत कर डाली थी। तो ये अभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं कि कुछ
उस वक्त ये जरूर कोई इंसिडेंट करते हैं जब इंटरनेशनल कोई टीटी होता है, कोई प्रोग्राम होता है, आदान प्रदान होता है प्राइम मिनिस्टर का या ऑफिशियल चैनल्स का, तो उस वक्त कुछ ना कुछ करते हैं। हम समझते हैं कि ये मानेगा नहीं चीन, चीन कुछ ना कुछ करेगा, अभी भी करेगा। और ये तो डिप्लोमेटिक चैनल है कि हम लोगों ने उनको बराबरी के साथ हैं, अगर वो हटे हैं तो हमारी सेना भी हटेगी। हमारी सेना ने तो पहले कभी नहीं कहा था कि हम डटे रहेंगे, उसने कहा चीन की सेना वापस चले जाए, हम वापस चले जाएंगे। आपसे एक सवाल है, हम एक है, सेना हमारी वापस हो जाएगी, हमारे मुल्क का स्टैंड था, आज भी हमारा स्टैंड है कि टीटी अगर हुआ है, बातचीत अगर हुई है डिप्लोमेटिक चैनल पर भी और फौजी के स्तर पर भी, अगर उनकी सेना हटेगी मेरी सेना भी हट जाएगी। तो ये हमारा स्टैंड था और हम लोग अपने स्टैंड पर कैम है, लेकिन हमको विजिलेंट रहना है, चीन अपने स्टैंड पर कैम नहीं रहता है। सकीर साहब एक सवाल है, आप जो कह रहे हैं कि ब्रिक्स समिट में मोदी साहब जाएंगे उसके पीछे कुछ कर दिया उन्होंने, आप बताइए आपको याद है ये डोकलाम क्राइसिस होने के पहले एकदम शुरुआत दौर में राहुल गांधी एक मीटिंग किए थे चाइनीज अंबेसडर के साथ। आप इसको आज, राहुल गांधी आज तक हमको पता नहीं चला उस मीटिंग में क्या डिस्कशन था, एजेंडा हम तो जो कर रहे हैं खुलेआम कर रहे हैं, ये डिस्कशन एजेंडा नहीं। मोदी जी क्या कर दिए, मोदी जी कोई तुक्का नहीं कर रहे, मोदी जी जो सही नेशनल इश्यू के लिए जो सही है वही मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन आज तक देश को पता नहीं चला कि राहुल गांधी का वो मीटिंग में एजेंडा क्या था। राहुल गांधी छोड़िए क्या कर रहे थे, आपकी सरकार क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, सरकार सेना जो कर रही है उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं आज। कुछ चीजों को आप जरा उससे अलग रखिए, आपके लिए मैंने सरकार के डिजाइन को हमारी पार्टी के सपोर्ट किया है, हमारी भी सपोर्ट किया है, लेकिन आप राज राष्ट्रपति करे तो आप जो करना चाहिए वो देश के लिए नहीं कर सकते, उसी का नतीजा ये होता है। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल, कई कांग्रेस पार्टी के भी कुछ प्रवक्ता होते थे जो बिना संजय झा आपको याद हो, कुछ ऐसे जो ऐसे तर्क या तथ्य रखेंगे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती थी, उसी तरह भास्कर जी इस चीज को लेके यहाँ पे आ रहे हैं जो जहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं। दिलीप जी बताइए मोदी जी क्या कर देते हैं जाने के पहले, इसका जवाब क्या आपके पास? कांग्रेस पार्टी की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं, संजय झा की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं आप? मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं तो उनसे सवाल कर रहा हूँ कि उस जवाब आज तक नहीं मिला। आप आज सत्ता में हैं, देश को जवाब नहीं मिला, देश को पूरा जवाब मिल गया, काम नहीं है ना, बीजेपी के लोगों को सुनने की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए समझ नहीं आ, देश का जवाब मिल चुका है, देश जान चुकी, देश की जनता जान चुकी, अब ये बहरी अंधी सरकार को क्या समझ में आएगा? ये भारत और चीन का विषय है, ये कांग्रेस और बीजेपी का विषय नहीं है, इसलिए आपसे जरूर ये रिक्वेस्ट है कि इसमें अननेसेसरी जो जिसकी आवश्यकता नहीं है उस सियासत को आप उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, भारत सरकार बहसम कर सकते हैं। यहाँ पे मूल मुद्दा है कि चीन में प्रधानमंत्री को जाना है और चीन की जो अपनी आवश्यकता थी वहां पे कई सारी मजबूरी थी, चीन आज वापस लिया है या एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ वापस गए। अच्छी बात यह है कि दोनों देशों के बीच में किसी भी तरह के युद्ध की स्थिति को जब तक टाला जा सकता है वो दोनों देश के लिए बेहतर है, भारत के लिए तो बिल्कुल बेहतर है, भारत की नीति भी यही रही है, रीत भी यही रही है, तो मुझे लगता है और सरकार के लिए एक अच्छी सफलता अपने आप को, भास्कर जी अगर ये कि सरकार सफल है वो उनको हम कह सकते हैं आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन उस पर अगर सियासत करेंगे तो हमें कम से कम संजय झा न बने बीजेपी कांग्रेस पार्टी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका, भास्कर जी आपका, शकील साहब आपका, अवधेश जी आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। घटना चक्र में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जैन टीवी, नमस्कार।